मैं बेनती करा अज साडी मीटिंग सी, कल नूं भारत सरकार ने मीटिंग सद्दी है, उहदे संबंध च असीं अपनी तैयारी वास्ते मीटिंग सद्दी सी, पूरी चर्चा तो बाद असी जो अपना केस है वह तैयार किया है, ते उहदे बाद उस सरकार वाले आके बेनती करके गए, असीं उहनां नूं भी कहता भी साडी 15 दी मीटिंग है, उहदे उहदे विच असीं सोचांगे। तो फिलहाल यही है कि असी एक सारे साडे जिहड़े नुमाइंदे ने जाणगे मीटिंग च, पर एक गलबात करन वास्ते एक 7 मैंबरी कमेटी बनाई है, वह अपना केस प्रोजेक्ट करनगे, उहदे विच मैं हाँ, डॉक्टर दर्शनपाल ने, जगजीत सिंह लल्लेवाल ने, सर जगमोहन सिंह ने, सर कुलवंत सिंह ने, सर सुरजीत सिंह फूल ने, सर सतनाम सिंह सानी ने, ये 7 मैंबरी कमेटी है जिहड़ी उत्थे गलबात करूगी, जाणगे जावांगे असीं सारे दे सारे। तो इसलिए बेनती है कि उस संबंध च होर कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लो, तुहाडा काम है। पंजाब सरकार ने कहा भी रेलां ना रोको, असीं उन्हां नूं कहा भी असीं 15 तरीक नूं मीटिंग, उहदे पहलां असीं कुछ नहीं कह सकते, नाल असीं 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 एक सवाल उन्हां ते कीता भी तुहाडा साडे नाल वादा सी 29 तरीक दी मीटिंग च चीफ मिनिस्टर दा, भी मैं असैंबली सैशन बुलाऊं, उहदे विच फिर असीं कोई नवां कानून ल्यावांगे, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इंप्लीमेंटेशन रोकने वास्ते नलीफाई करने वास्ते पंजाब सरकार अपना एक्ट बनावे, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, ट्रेड विद इन स्टेट ये भी स्टेट सब्जेक्ट है, इतने केंद्र दखल नहीं दे सकता। नहीं कोई ऐसी कोई त्रेड नहीं है, मेरे मुंह च ना पाओ ये गल, जिहड़ा सवाल ये उन्होंने संबंध जिहड़ा कहिंदा उहदे नाल कर लो, सानू सारे उस तरह असीं इकट्ठे नहीं। लखोवाल नूं कहा सीगा भी उह अगले फैसले तक बाहर रहूगा, वह अज भी आए थे, उन्होंने कहा भी दिल्ली आके तो बाद विचार करेंगे, फिलहाल उसके कोई फैसला नहीं है। इस बारी मीटिंग का एजेंडा बदल दिता उन्होंने, पिछली बारी जी मीटिंग सदी सी जो सैकटरी एग्रीकल्चर से कहना मेरी परसनल मीटिंग है, और मैं मेरी टीम अफसर की ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। अज भी यही डिमांड है, असीं सिर्फ इसलिए चले हैं जे बार बार रिजेक्ट करी जावांगे, असीं उन्हां नूं एक्सक्यूज नहीं देना चाहुंदे भी वह कह भाई जी ये तो गलबात भजते हैं, हर बारी बहाने लाते हैं, असीं इस करके चले हैं और उत्थे जाके फिर यही गल करांगे, माहौल देखांगे उत्थे बाद फिर फैसला।
सरकार झूठ बोलती है। असलियत यह है भी यह सारा साल यह जो प्रोसेस है रेक लगते रहते हैं, जिहड़ा पहला गोदामा च इन्ना पिया रिलीज क्यों नहीं करते? सिर्फ किसान अंदोलन सट मारन वास्ते कह रहे हैं ना। कोला भी यह 10 दिनों के नहीं खत्म होया, जदों पिछे बिल्कुल ही ट्रेन बंद थी 2 महीने उदो नहीं होया। और फिर ये तो भी अगली गल एक बड़ी स्पष्ट जिहड़ी आम बंदे नूं नहीं पता, वी आर ऑन द नैशनल ग्रिड ते जिहड़े सूबे हैगे जे तुहाडे सारे ही जिहड़े शटडाउन हो जाए, सारे ही तुहाडे प्लांट बैठ जाण, तां भी बिजली सप्लाई नहीं रुक सकती। नैशनल ग्रिड चो बिजली जिहड़ी आ तुहानूं आएगी, बिजली नहीं बंद हो सकती। सरकार की बेईमानी होवे अलग गल है। जिन्ना घबरा के बयान दे रहे ने, असीं समझदे हां वी ओह घबराए होए ने बेचारे, इस करके उन्ना ही असीं अपने केडर नूं होर चौकस करी जांदे हां वी इन्हां तों चौकस रहो, इह वायलेंस लिया के एजिटेशन दा नुकसान करना चाहुंदे ने। असीं वी आर वेरी क्लीयर, असीं किसे कीमत ते वायलेंस नहीं लाउण देवांगे एजिटेशन दे विच। बीजेपी दा जिन्ना जोर लगदा ला ले प्रवोक कर ले, असीं प्रवोक नहीं हुंदे। याद करो एदा आधार ही पंजाब च तैयार होया। एक साल तो असीं लड़ाई लड़ रहे हैं, जदों हले नहीं सी ऑर्डिनेंस आए, ऐसे जगह सारियां पोलिटिकल पार्टियां नूं बुला के कहा सी वी इधर नूं सरकार वध रही है। फिर 24 फरवरी नूं असीं इस संबंध च रैली कीती सी। पंजाब ने इहदा आधार तैयार किया एजिटेशन का, जिहड़ा हुण सारे देश वल फैलदा जा रहा है। उहदी अज सरकारां नूं उन्हां दे असीं उन्हां दे तां देखो जी पैरां हेठ अग बाली है, वो तो कुछ भी कहणगे। नहीं किसानां चों नहीं, उन्होंने आप भी कहा भी किसान नहीं सी, और असीं बिल्कुल पीसफुल हाँ। जिवें मैं पहला कहा साडा कोई काम नहीं वायलेंस दे नाल, साडे बंदे हाँ काले झंडे दिखाउणगे। जलंधर च भी वो बैठे रहे 7 घंटे, साडे बंदे बैठे रहे जदों उत्थे जलंधर होटल च मीटिंगां कर रहे सी, उत्थे पुलिस ने धक्का मुक्की भी की, पर वायलेंस साडे वर्कर नहीं होए। उन्होंने झंडे दिखाए उन्होंने काले, और उन्होंने पिछले रस्ते एक फुटपाथ से निकलना पिया। इस तरह असी कितने वायलेंट नहीं होंगे, साडा कोई वर्कर वायलेंस नहीं करता। कोई होर फोर्सिस ने वो इन्हों भी पिछले लगी हुई आए आप कर सकते यो जहाँ काम वी डोंट डू दैट। नहीं कोई लोगों जो गलत जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। लोग सारे चंगी तरह समझते हैं पंजाब के लोग इन्ने कमले नहीं, पर असी कोई जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं, सानू अपने वर्कर्स का पता है, वी आर पीसफुल। पांच नवंबर सारे देश में 10 से 4 बजे तक चक्का जाम होएगा। ये हरियाणे च कुरुक्षेत्र मीटिंग हुई सी कुछ जथेबंदियों की, उत्थे कुछ बात सारे सूबे तो आई सी जथेबंदियां, उत्थे फैसला लिया गया। और बहुत जल्दी इनू होर तेज करने वास्ते अंदोलन नू असी इत्थे या दिल्ली एक जगह सारे देश दीआं जिन्नियां भी टोटल किसान जथेबंदियां सारे मतभेद छड़ के असी जिवें पंजाब च इकट्ठे होए असी सारयां नू इकट्ठे करके सारे देश का एक वड्डा अंदोलन बनाने वाल जा रहे हैं। ਪੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ।
ਨਹੀਂ 15 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ A2+FL ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 7 ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਰ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਰ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ, ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ।